प्यारे बच्चों, पीएच एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर के अंदर जो कहानी दी गई है वो पूरी कहानी एक किसान के ऊपर है। इस किसान का नाम है लैंको और इसका घर संपूर्ण घाटी में एक महान घर था। वह एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। कोई भी उस ऊंचाई से नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था जो उन फूलों से भरे हुए थे जो हमेशा एक बढ़िया फसल का भरोसा देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन खेतों को बहुत मतलब बारिश की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, एक बौछार की ज़रूरत थी, मूसलाधार बरसात की ज़रूरत थी। तो लैंको जो किसान था वह अपनी फसल के लिए अच्छी बारिश की आशा कर रहा था। तो एक दिन वह उत्तर से पूर्व और पूर्व से उत्तर की ओर बार बार देख रहा था कि बारिश होगी, और इसके अलावा इसके पास और कोई काम नहीं था। शाम को एक औरत जो खाना बना रही थी उससे लैंको कहता है, वास्तव में अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कि वर्षा होगी। तो औरत ने जवाब दिया, यदि भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे। औरत ने सबको खाने के लिए बुलाया। खाना खाते समय बारिश होने लगी। जैसे लैंको ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होगी, वैसे ही बारिश होने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल नजर आने लगे। जो हवा थी बहुत सुहानी हो गई। लैंको अपने घर से बाहर आया और बारिश का अपने शरीर पर अनुभव लेने लगा, आनंद करने लगा, मतलब एंजॉय करने लगा। और वह कहता है कि ये जो बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी कि सिक्के जो वह कहता है, बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। ये सेंट एक देश की पैसे को कहा गया है। और उसने अपने सेटिस्फैक्शन के साथ देखा अपने खेतों को कि उसका जो खेत था वो बरसात के पानी से ढका हुआ तो सही हो गया था। मतलब जितना उसे खेतों को बारिश की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, उतना पानी उसे मिल चुका था, तो बहुत वो खुश था। लेकिन अचानक तेज़ हवा चलने लगी और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रहे थे। बरसात में भीगने की परवाह ना करते हुए जो बच्चे थे वो इन ओलों को इकट्ठे करने लगे। धीरे धीरे बरसात ने बहुत बुरा रूप धारण कर लिया, ओले पड़ने लगे, बहुत बुरा रूप धारण कर लिया। फिर लैंको हैरानी से बोला कि मुझे आशा है ये बहुत जल्दी ही रुक जाएगी बारिश, जो ओले पड़ रहे हैं बहुत जल्दी ही रुक जाएंगे। 1 घंटे तक लगातार ओले घर बाग पहाड़ी अनाज खेत पूरी घाटी में गिरते रहे। खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढक गया हो और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मानो और अनाज जो था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। पौधों से तो फूल झड़ गए थे। अब जो लैंको था बहुत ही उदास हो गया था, बहुत ही दुख, उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। जब तूफान थम गया तब वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्र से बोला, टिड्डों की महामारी भी इससे अधिक शेष छोड़ जाती है। मतलब जो टिड्डों की जो महामारी होती है वो भी खेत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाती है जितना कि उन्होंने पहुँचा दिया, ऐसा कहता है वो अपने बेटों से। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा, ऐसा वह अपने बेटों से कहता है। वह रात एक दुख वाली रात थी। हमारा सारा परिश्रम बेकार गया, यहाँ पर हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, वह अपने बेटों से सब कुछ बातें कहता है। हम सभी इस साल भूखे रहेंगे, लेकिन वहाँ के रहने वाले सभी लोगों के दिल में, जो उस घाटी में रहते थे, सभी लोगों के दिल में एक आशा थी भगवान से सहायता की, यानी कि वो विश्वास करते थे भगवान की सहायता करेंगे। लैंको सबसे कहता है, सब कुछ बर्बाद हो गया है,
फिर भी निराश मत हो, याद रखो कोई भूखा नहीं मरता है, भगवान मेरू मत करेगा, ऐसा वह कहता है, सबको आशा दिलाता है। और सारी रात लैंप को एक ही बात सोचता रहता है कि भगवान से सहायता की, भगवान से किस तरह सहायता मिलेगी, सब कुछ यही सोचता रहता है पूरी रात भर। लैंप को पढ़ा लिखा था लेकिन अपना सब कुछ जानता था, फिर भी वह बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था, खेतों में जानवर की तरह वो काम करता रहता था। एक दिन वह आने वाले रविवार के दिन सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। उसने ये सोचा कि वह इसे लिखने के बाद शहर जाकर डाक में डालेगा, ऐसा उसने सोचा। और वह पत्र एक ऐसा पत्र था जैसे मान लो सीधा वह भगवान को वह पत्र लिख रहा हो, उसने सीधा एड्रेस में भी भगवान का ही भगवान लिख रखा था, इस तरीके से ऐसा उसने लिखा हुआ था। वह लेटर के अंदर लिखता है, आप मेरी मदद नहीं, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। 100 पैसों यानी किसी देश की मुद्रा है, मैंने आपको बताया था पैसा है। और वह कहता है ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज बो सकूं तथा नई फसल आने तक जीवित रह सकूं, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है, वह ऐसा लिखता है लेटर में। और वह पत्र को लिफाफे के अंदर रखकर शहर की ओर चल पड़ता है। डाकखाने में उसने पत्र पर टिकट लगाई और पत्र को डाक वाले डब्बे में डाल दिया। कर्मचारी में से एक व्यक्ति जो कि एक डाकिया था और डाकखाने में काम में मदद किया करता था, जोर जोर से हंसता हुआ मुखिया के पास आया और उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। एक पोस्टमैन का काम करते हुए अपने जीवन काल में उसने इस प्रकार का पता कभी नहीं सुना था। पोस्टमास्टर मोटा और फ्रेंडली बिहेवियर वाला एक व्यक्ति था, आदमी था, वह भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा, परंतु वह जल्द ही गंभीर हो गया, सीरियस हो गया और डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए उसने कहा, कितना गहरा विश्वास है, काज मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ कर देना, अर्थात भगवान में इतना विश्वास कि उसे पत्र लिख डाला, ऐसा एक आश्चर्यचकित वाली बात थी। इसलिए उसने पत्र लिखने वाले व्यक्ति को पत्र लिखने की सोचा, यानी कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति की आस्था भगवान में कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए उसने उसे मदद करने की सोचा। पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा, इस पत्र का जवाब दिया जाए। परंतु जब उसने इसे खोला तो पता चला कि उसको किसी कागज़ स्याही और किसी और चीज़ जरूरत नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पोस्टमास्टर अपने इरादे से हटा नहीं, उसने सभी कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे दिए और अपने दोस्तों से भी कहा कि इस पवित्र काम में आप भी कुछ ना कुछ योगदान दें, मतलब फोर्स किया अपने फ्रेंडों को कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए। एक साथ 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए संभव नहीं था, इसीलिए उसने किसान के पास जो भी कुछ पैसा इकट्ठा हो पाया, यानी 70 पैसों इकट्ठे हो पाए थे, तो उसने वो लिफाफे में रखे और लैंको का पता लिखा और उसके साथ एक पत्र भी लिख दिया। उस पत्र पे भगवान के सिग्नेचर लगे थे, यानी कि भगवान लिखा हुआ था सिग्नेचर के रूप में, और 70 पैसों से लिखकर लैंको के एड्रेस पर भेज दिया, लैंको का पता लिख दिया। अगले रविवार को लैंको हमेशा की तरह अपने पत्र के बारे में पूछने के लिए आया। उसके पूछने जैसे ही उसने पूछा, डाकिया ने तुरंत उसको उसका पत्र दे दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय के दरवाजे से झांक रहा था और एक ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई भलाई का कार्य किया हो। पैसे देकर लैंको को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसमें इतना अधिक विश्वास था, मगर जब उसने धनराशि गिनी, क्योंकि पैसा गिना, तो उसे क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गया। भगवान गलती नहीं कर सकता था और ना ही वह लैंको की प्रार्थना ठुकरा सकता था, वैसे ऐसा वह सोचता है। जल्दी से ही लैंको खिड़की पर कागज और स्याही लेने गया। आम लोगों के लिए रखी लिखने की मेज पर बैठकर उसने लिखना शुरू कर दिया। अपने भौहें को टेढ़े-मेढ़े करते हुए उसने विचारों को लिखना शुरू किया। लिखना समाप्त करके वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। उसने अपनी जीभ से गीला करके फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपकाई। जो ही पत्र डाक में गिरा, पोस्टमास्टर से खोलने के लिए चल दिया। पत्र में लिखा था, हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था
उतना मेरे तक नहीं पहुंचा, केवल 70 पैसे मुझ तक ही पहुंच सके। मुझे बाकी के पैसों भी भेजो, पैसे भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना, ऐसा बैंक को कहता है, क्योंकि डाक के कर्मचारी एक ठगों की टोली है। मतलब ऐसा सोचता है कि डाक वाले जो पोस्टमैन वगैरह ये सब हैं जो डाकखाने में हैं, उन्होंने ही पैसे निकाल लिए होंगे, ऐसा वह सोचता है। तो ये पूरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, सुनना, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इस चैप्टर के, ताकि वो आप सारे आसानी से कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।